नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर हमारे कुछ बैचमेंट जो हैं यानी कि बिहार दरोगा 22-13 में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे लड़कों का रिजल्ट हुआ जो सचिवालय सहायक जिसको आप लोग बोलते थे उसमें एएसओ के पद पे हुआ, किसी का जो है उसमें मलेरिया इंस्पेक्टर के पद पे हुआ, किसी का ऑडिटर में हुआ, तो बहुत सारे विभिन्न पदों पर हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे में गुड्स गार्ड की नौकरी करते हैं, एसएम की जॉब करते हैं, वैसे लोगों का मैक्सिमम मेरा रिजल्ट हुआ, ठीक है। दूसरा बात ये हुआ कि उन लोगों का जॉब छोड़ना, अब आकर के यहाँ पर डीबी तो लोग करा लिए, अब ज्वाइनिंग की बात है, उनका डिसाइड भी हो गया है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ लेकिन पोस्ट कौन कौन सा मिला वो डिसाइड हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट कौन कौन सा मिलेगा ये डिसाइड नहीं है। तो जो बाहर जो बच्चे जॉब कर रहे हैं और 22-13 में जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल कि सर दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो आज हम शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, इसके आपको जॉब नेचर के बारे में बताएंगे, सैलरी के बारे में बताएंगे, एग्जाम पैटर्न तो आपको पहला नंबर फर्स्ट टर्म से ही गुजरना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी जो एलडीसी में जो ज्वाइन जो किए थे, राजस्व कर्मचारी में ज्वाइन जब किए थे, बीएसएससी के जो 10+2 का जो नोटिफिकेशन पिछला 2014 आया था उसकी हम बात कर रहे हैं, तो जाकर के लोग टीचर में ज्वाइन किया तो उनकी हालात क्या हैं, रो रहे हैं बेचारे। तो आपको इस वीडियो में आपको बता रहे हैं और दूसरा वीडियो में आपको बिहार दरोगा का सिलेबस संपूर्ण जो है कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे उससे हमारे क्वेश्चन आने की संभावना होगी, यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ में कौन कौन सा बुक का अध्ययन करना होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का जो है अलग अलग है। तो ये सब चीज़ जो है अगला वीडियो में आपको टोटली बताएंगे, क्योंकि ये दोनों नोटिफिकेशन जो है आपके नए सिरे से जो है बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। इसलिए बहुत बच्चों का उत्सुकता था और ख़ास करके हमारे पास जो है लोगों को जानने के लिए बहुत लोग आतुर रहते हैं, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम लोग, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लिया जाए। देखिए दोस्तों, बिहार एसआई में आप चलेंगे तो आपका दो स्टेज होगा, एक स्टेज आपका मिलेगा फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि पीटी का आपको क्वालिफाई करना होगा, पीटी लेता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एकदम छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो गांव देहात में जो बच्चे जो रहते हैं वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमको क्या करना है, तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकंड में आपका है कि सेकंड पेपर जब पीटी आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका जा करके मेंस देना होगा, ठीक है, और उस मेंस में आपको दो पेपर से गुजरना होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में क्या है तो सबसे पहले आपका हिंदी का एग्जाम होगा, इस हिंदी में आपको जो है खाली क्वालिफाई करना है, इसमें मेरिट जो है आपको मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। सेकंड में आपका क्या है कि सेकंड में आपका जो है वही जीएस पोर्शन जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन होंगे, सेम होगा, इसमें थोड़ा सा 90 जो है जीएस होता है और इसमें और 10 क्वेश्चन जो है आपको क्या होते हैं मैथ्स होते हैं, और इसमें क्या है कि आपको 80 जीएस मिलेगा और यहाँ पर क्या होगा 20 जो है कि मैथ्स और रीजनिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ गए। एक तीसरा स्टेज क्या है इसमें कि तीसरा स्टेज आपका है फिजिकल, क्या है फिजिकल से गुजरना होगा, तो जो बच्चे जो शरीर से बढ़ियार रहते हैं ना वो थोड़ा सा माइंड से कमज़ोर रहते हैं, और जो माइंड से कमज़ोर रहते हैं ना वो जा कर के शरीर से, कहने का मतलब है कि मान लीजिए अब हम लोग हैं तो हम लोग दरोगा तो पीटी और मेंस निकाल लेंगे लेकिन आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं जिनका बॉडी जो है थोड़ा सा स्थूल हो गया है तो वो लोग भी उसको निकाल नहीं पाएंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिला है। तो इस दौर से आपको क्या होगा कि तीन स्टेज से आपको गुजरना होगा और अंत में जाकर के आपकी मेरिट बनेगी और तब जाकर के उसके लायक जो है ना। देखिए अभी क्या है, अभी के दौर में क्या है कि बहुत सारे बच्चों का जो है यहाँ 22-13 में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर क्या है कि उनका सिलेक्शन भी हो गया है, बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमको दरोगा ही बनना है, क्योंकि वर्दी का भौकाल और बगल में आपका रिवाइवल, ठीक है ना। तो यह जो है भौकाल जो है जब फील्ड में जब जाइएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा कि भौकाल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ लड़कियां हैं, एकदम लड़कियां जो है
क्या है कि हम बहुत सारे ऐसे लड़की हैं जिसे सिवान की लड़की है, सोनी कुमार नाम है, और भी आपको जो है बेगूसराय की दो लड़की हैं, आपको नालंदा से तीन चार गो लड़की हैं। कहने का मतलब यह है कि ये लोग चाहती है कि अब हम वहाँ से निकल जाए, मतलब किसी तरह मेरा ASO में सर रिजल्ट हो जाए और हम जो है वहाँ से किसी तरह हमको जो है दरोगा से निकल जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप दरोगा अगर मान लीजिए कि बन गए तो कितनी कठिनाइयों से आपको सामना करना पड़ेगा, जब जॉब में जब जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। ट्रेनिंग पीरियड में उनको समझ में आ रहा है, अभी फील्ड तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। फील्ड में उन लोगों को जैसे मान लीजिए दशहरा है, दीपावली है, छठ है, और मान लीजिए कि इलेक्शन अगर आ गया, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इन सब इलेक्शन में उन लोगों को ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो खुद समझ रहे होंगे कि हमारी ड्यूटी किस लेवल का है और किस आधार पर है। थाने मान के चलिए कि आपके कितने हैं, मान के चलिए कि थाना पूरा बिहार में आपका 5000 थाना है, और यहाँ पर SI कितने हो गए जी, मैक्सिमम हो गए, आप तो देखे होंगे 2009 बैच के जो SI लोग थे अभी इंस्पेक्टर बन गए। तो प्रमोशन भी अब होने लगा है, प्रमोशन धड़ाक धड़ाक होने लगा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जॉब नेचर आपका है, आपके अंदर से आप क्या करना चाहते हैं उस तरह का आप सोचिए। ये चीज़ अगर मान लीजिए कि जॉब अगर करते हैं तो आप SI में अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है, SI में सिलेक्शन अगर हुआ तो जरूरी नहीं है कि आपको थाने का इंचार्ज ही बनाया जाएगा। आपके दो, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक रमेश और गणेश है, दोनों का अगर सिलेक्शन अगर 22 तरह फाइनल में हुआ और फील्ड में जब आ गए तो पता चलेगा गणेश का जो है कि थानेदार बना दिया गया, जबकि महेश का जो है उसी थानेदार के अंदर जो है काम करना रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं छोटा बाबू, बोलते हैं ना, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा। सेम बहाली हुआ, सेम एग्जाम दिया, सेम ट्रेनिंग किया, लेकिन जब पोस्टिंग की बात आई, पोस्टिंग थाना में हुआ, महेश का हो गया, गणेश का नहीं हुआ, गणेश उसी थाना में है, तो आप सोच सकते हैं कि एक ही एग्जाम क्रैक करके आए और दो दोस्त थे और एक दोस्त को थाना इंचार्ज बना दिया गया और एक दोस्त को उसके अंडर में काम करना पड़ेगा, तो सोचिए कि माहौल क्या होगा। ऐसे भी बहुत सारे हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो आपसे भी मेरा कहना है कि अब देखिए हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम है आपको बताना जॉब नेचर, लेकिन दोनों में सबसे बेस्ट जो जॉब है आपका ASO का जॉब है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, इसमें आपका दो सेक्शन से आपको गुजरना होगा, इसमें आपको क्या है कि दो सेक्शन से आपको गुजरना होगा, ASO में दो सेक्शन से गुजरना होगा। दो सेक्शन वो क्या क्या है, एक आपके जो है कि फॉर्म अगर भरिएगा तो एग्जाम जब होगा तो आपका जो है फर्स्ट स्टेज है और एग्जाम जो है आपका सेकेंड स्टेज है, इसमें बस दो ही स्टेज है, फिजिकल नहीं है। फिर वही आपका 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपका वही हाल है, दो पेपर इसके होंगे, एक हिंदी का पेपर आपको फाइनल करना होगा, मतलब आपको पास करना होगा, और दूसरा वही आपका टोटल ऑल ओवर मिला करके आपके 125 उसमें आपके साइंस हैं, 25 उसमें मैथ्स हैं, 50 उसमें जो है कि आपको GS पोर्शन है, और 50 उसमें जो आपका रीजनिंग है, यही इसका सिलेबस है, ठीक है। तो ये पहला नंबर, इस कॉपी को जांच करने से पहले ये जांच होता है, अगर इसमें पास होइएगा तभी ये कॉपी आपका जांच होगा। यहाँ भी वही स्थिति है, दोनों में से सबसे पहले जो आपका हिंदी पहले जाँच होता है, तब जा करके आपके यहाँ पर जाँच होता है। तो अब दोनों का जो है लेवल, दूसरा चीज़ क्या है कि आपके थाना हैं, थाने के अंदर जब काम करेंगे तो बहुत सारे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सामना क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे लंगे, उचक्के, डकैत, चोर, पाकिटमार, है ना, मर्डरर, माने हर सेक्शन से यहाँ पर आपको जो है आपको हर आदमी से आपको पाला पड़ेगा, मतलब छोटा आदमी से लेकर के बड़ा आदमी तक। जब हम लोग फील्ड में जब रहते हैं ना तो बड़े बड़े लोगों साहब का, बड़े बड़े लोगों का, जैसे विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष तक हमको फ़ोन आया कि CO साहब ये वाला काम जो है कि करवा देना है, ठीक है। तो आप भी अगर थाने में जब रहिएगा तो एक से एक क्रिमिनल का पाला पड़ेगा आपको। जैसे हम, आप मान लीजिए कि हम लोग लैंड से संबंधित है, जमीन से इंक्रोचमेंट हटाना है, तो इंक्रोचमेंट हटाना है तो मान लीजिए हम कहाँ के रहने वाले, कहाँ मेरी पोस्टिंग अदर जिला में, अब रोहतास जिला का लड़का है और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टिंग अगर हो गया तो आप सुने होंगे काबर ताल का नाम सुने होंगे, तो कमवा अगर नहीं करिएगा तो उठा करके बकड़ करके ले जाके काबर ताल में फेंक देगा। ऐसे भी जा करके एक से एक आपको हठी और माने बदमाश और एक से एक जा करके पाकिटमार लोगों से भेंट होता है, ठीक है ना, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये जॉब जो है हर कोई नहीं कर सकता है, हर लोगों की बस की बात नहीं है, समझे, हर लोगों की बस की बात नहीं है। तो आपको जैसे मान लीजिए फील्ड में हम लोग जब इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जब जाते हैं तो एक से एक लोगों का दबाव मिलता है कि CO साहब दो दिन रुक जाइए,
दो दिन में आपको जो है कि आदेश मिल जाएगा, बस दो घंटा रुक जाइए। लेकिन अगर हम लोग जैसा जब सीईओ जब रहते हैं तो हम लोग सोचते आगे पीछे नहीं है, होगा तो होगा, देखा जाएगा। और वैसा हमने कारनामा कर चुका है, ठीक है ना, हमने किया है, बहुत सारे लोगों को ऐसा काम हम किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम अपना काम करने के लिए नहीं, हम लोगों का नहीं बल्कि हम सरकार गवर्नमेंट का हम काम करने के लिए गए, तभी सरकार जो है सैलरी हमको देती है। तो उसी टाइप से बहुत सारे बच्चे जो है अब जो है यहाँ पर जो है अनसेटिस्फाइड, उनको लगा कि नहीं दरोगा हमको बनना है, दरोगा बन गए, ट्रेनिंग किए, उन्होंने बीएसएससी एग्जाम भी दिया, एएसओ में उनका सिलेक्शन हो गया है ना, अब मलेरिया निरीक्षक में किसी किसी का हो गया है, किसी किसी का ऑडिटर में हुआ है, अंकेक्षण जिसको बोलते हैं। अब उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या हम वहाँ जाएँ कि ना जाएँ। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इससे बहुत बेटर आपका एएसओ एग्ज़ाम है। इसमें क्या है, आप एग्ज़ाम दिए, पीटी किए, मेंस दिए, आपका फिजिकल का कोई झंझट नहीं है, फिजिकल आपको देना भी नहीं है। जैसे ही आपका जो है मेरिट बनेगा, आपकी पोस्ट क्राइटेरिया फाइनल हो जाएगी, उसके बाद जो है आपको पोस्टिंग हो जाएगा, है ना, डिपार्टमेंट में। और इसमें क्या है कि अगर एएसओ का एग्ज़ाम अगर मान लीजिए क्लियर अगर कर चुके हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपको क्या होगा कि आपको सुविधाएँ, बहुत सारे सुविधाएँ आपको मिलेंगी। एक तो आपको सुविधा क्या मिलेगा, जिससे सचिवालय सहायक पहले हम लोग बोलते थे, अब उसमें सचिवालय में अगर आपको जॉब हो जाएगी तो आप लाइफ टाइम जो है अपने सचिवालय पटना बिहार पटना में रहने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, बहुत सारे बच्चों का कहना रहता है सर अपना हेल्पलाइन नंबर भी, जिसे यहाँ पर देखिएगा 7541834303, जिनको भी नंबर अगर बात करना है कर सकते हैं, 9931843263 है ना। तो दोनों आपका हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो बिल्कुल बताइएगा। और हम लोग का बीएसएससी आप लोग देखे होंगे, प्लस टू लेवल सीजीएल 4 आपका आने वाला है, लेकिन हमारा बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, एसआई मेंस का भी चल रहा है, इसमें भी हर कैटेगरी बीपीएससी है ना, बीपीएससी जो है आपका 17वीं जो है उसका भी हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, बिहार पुलिस का भी टेस्ट चल रहा है। तो कहने का मतलब कि सारे जो भी आपको जो है कि लगेगा कि नहीं आपको ऑथेंटिक चीज़ पढ़ना है, रिजल्ट्स को निकालना है, कम समय में बेहतर हमको रिजल्ट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जो है जा करके आपको ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन है। और हमारी बुक्स जो है, बहुत सारे बच्चों का कहना था सर बुक्स अपना निकालिए क्योंकि कंटेंट में आपका दम रहता है, कंटेंट ही आपकी पहचान है, मैं हमेशा कहता हूँ। और जो अगर मान लें जिनका रिजल्ट्स अगर नहीं हुआ है, एक बार सिर्फ आप जुड़ करके देखिए, कंटिन्यूटी आप सिर्फ जो है 6 महीना 7 महीना 8 महीना 1 साल कंटिन्यूटी आप पढ़ करके देख लीजिए राकेश लाल से, आपको 72 रिजल्ट अगर नहीं दिए तो हमारा पढ़ाना ही बेकार है। दो चार वो वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर डाला हुआ है। और हमारे यहाँ एक से एक फैकल्टी जो सेलेक्टेड लोग जो जॉबधारी लोग जो रहते हैं उन्हीं के द्वारा, और हमारा क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना बिल्कुल सेलेक्टेड रहता है। अब फिजिक्स कोई और करेगा, केमिस्ट्री कोई और करेगा, बायोलॉजी कुछ और करेगा, उस तरह से जाकर के हाँ सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लोग जहाँ मन करे वहीं से उठा करके डाल दिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। पिछला सीजीएल 3rd में बहुत सारे बच्चों का हमसे उम्मीद है क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट हमने दिया है, बिहार दरोगा 22-23 में मैक्सिमम रिजल्ट हमने दिया है, 12-75 भी आपके जो है फाइनल हो जाएंगे, उसमें हमने कहा भी है कि मैक्सिमम जो है आपको रिजल्ट जो है ईडू गुरुकुल ही देगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट ही देना एक मेन मकसद है। पढ़ने वाले लाखों होते हैं लेकिन रिजल्ट जो है आपका कितने लोगों का होता है सोचिए, कुछ ना कुछ अलग चलने के रास्ते होंगे, कुछ ना कुछ अलग बुक पढ़ने के रास्ते होंगे, है ना, कंटेंट निकालने के रास्ते होंगे, ये सब सारा डिपेंड करता है आप पर कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में जैसे एग्जाम के रिलेटेड बता दिए, सैलरी जो है आपको जो है दोनों में सबसे बेस्ट सैलरी यहीं पर मिलता है, और इससे कहीं ज़्यादा जो है फील्ड में आप रहिएगा, इससे कहीं ज़्यादा आप कम से कम 10 से 15 हज़ार सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। उसको पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, लेकिन इसलिए बता रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए पटना में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो पटना में जब रहिएगा तो HRA आपको मिलता है, हाउस रेंट जिसको बोला जाता है। तो आप ग्रामीण में रहिएगा तो कम मिलेगा, आप मेन आपका शहर है पटना, मेन राजधानी है, तो वहाँ पर जो है कि HRA आपका ज़्यादा है, ट्रेवलिंग अलाउंस भी ज़्यादा रहता है,
ठीक है ना, ये दो चीज़ जो है आपको बिल्कुल इससे कहीं डिफरेंस मिलेगा। जैसे हम लोग भी जब ज्वाइन किए थे तो जो सचिवालय सहायक में जब लोग जब जॉब करते थे तो हम लोगों से उन लोगों का सैलरी हमेशा 10,000 रुपया ज़्यादा रहा, तो वहाँ पर आपको सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलेगा, उस बिल्डिंग में रहने का आपको मौका मिलेगा, राजधानी में रहने का मौका मिलेगा, आपको बच्चों को पढ़ाने का भी वहाँ पर मौका मिलेगा। आप जो है एक अच्छे डिपार्टमेंट में रह करके आप जो चाहते हैं कि नहीं कुछ हम समाज सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जॉब जो होता है ना, इसका जॉब नेचर जो होता है ये क्या होता है कि मंडे टू आपका फ्राइडे होता है, मतलब आपको जो है मात्र मंडे टू फ्राइडे मतलब 5 ही दिन जॉब करना है, और ये इसमें 1 घंटा भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसमें 2400 घंटा आपको जो है 24 आवर्स जो है जॉब करना है, ठीक है ना, 24 आवर्स जॉब करना है। तो जॉब ऑफ नेचर भी दोनों का डिफरेंस है। आप यहाँ पर जैसे ही आप मान लीजिए कि 5 बजे आप 6:30 बजे तक वहाँ लोग रहता है, उसके बाद आप निकल के घर चले जाइएगा तो आपको कोई बुलाने तक नहीं आएगा। अगर बुलाना है तो ऑथेंटिक लेटर निकलता है कि हाँ संडे को भी ऑफिस खुला रहेगा तो आ जाना है। और यहाँ पर आप अगर क्वार्टर अगर मान लीजिए कि छोड़ के चले गए, मुख्यालय कहीं छोड़ दिए और कहीं पता चल गया इंस्पेक्टर साहब को, DSP साहब को, SP साहब को, तो तुरंत आपको जो है लव लेटर मिल जाएगा। तो दोनों का नेचर समझ लीजिए और तब आप जो है जा करके माइंड में सेटल कर लीजिए कि हमको करना क्या है, तब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला आपको वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि बिहार दरोगा से रिलेटेड कौन कौन सा बुक जो आपके लिए ऑथेंटिक है और उसको कैसे हम पढ़ें, कैसे उसको कंटेंट हम निकालें। वो बुक आपके पास भी होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हम कंटेंट कैसे निकालें, ठीक है। तो ये दोनों नोटिफिकेशन जो है 2247 पोस्ट आपका SI में अगला मंथ में आने वाला है। ये जो है आपको हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में ये भी आपका जो है आपका आ गया रहता, लेकिन अब जातीय जनगणना जो हुई है हम लोगों का बिहार में उससे रिलेटेड उसमें जो है कि सीट ऊपर नीचे करना है, इसलिए इसका नोटिफिकेशन इससे कहीं जल्दी आएगा। और आप देखते होंगे एग्जाम का क्या है, तुरंत जो है एग्जाम आपको तुरंत ले रहा है। तो हम लोग एक बैच जो है इसका स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग बैच जो है इसका कहने का मतलब है कि ESO यानी कि CGL 4 का हम लोग बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, क्वेश्चन निकालना पड़ता है, क्वेश्चन का लेवल जो है इससे कहीं बहुत ज़्यादा उसका हाई रहता है तो उस चीज़ निकालना पड़ता है, इसलिए पहले। और इसका जो है हम लोग एक मार्च से जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू जो है इसका बैच जो है हम लोग तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं। जो नया लड़के जिनका 2275 में जिनका PT नहीं हो पाया है, उससे बहुत सारे बच्चे हबड़ाए हुए हैं और नए नए बच्चे भी, ठीक है। तो इसका बैच जो है हम लोग आपको 1 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे हमको ज़्यादातर वैसा ही बच्चे लोग लाइक करते हैं जिनकी मेरिट जो है 1-2 नंबर से छट जाती है, जो 2-4 नंबर से रिजल्ट नहीं होता है, वैसे लोग और नए बच्चे भी एक अच्छे बुक्स का कलेक्शन करके, एक अच्छे गुरुजन का कलेक्शन करके, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप EDU गुरुकुल को ही चयन करो, जी नहीं, आपको जहां लगे कि नहीं हमको उस लाइव कंटेंट मिल रहा है, हमको आपको जहां वैसा लगे कि इस बुक से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा 3-4 बुक भी आ रहा है, प्रैक्टिस सेट तो आपका है ही है बिहार दरोगा का, एक्साइज का भी हमने निकाला, एक्साइज के जो मेंस जो बच्चे जो देने वाले हैं EDU गुरुकुल का बुक जो है निकाल करके एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा उसमें कंटेंट क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त। हिस्ट्री का तो बहुत अच्छा कंटेंट हमने दिया है, हिस्ट्री का 3 पार्ट मतलब एंशेंट, मेडाइवल और मॉडर्न, और फिर आपको जो है कि पॉलिटी और उसके बाद ज्योग्राफी, ठीक है, ये चारों जो है आपको जो है बहुत जल्द जो है मार्केट में मिल जाएगा बुक, और सारे मार्केट के बुक से बिल्कुल वो अलग बुक है। क्योंकि इसलिए अलग बोल रहे हैं क्योंकि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा हिस्ट्री का हमने 40 पेज का मिसलेनियस क्वेश्चन हमने डाला है, मिसलेनियस चैप्टर वाइज नहीं, वो 500 पेज की मेरी बुक है, ठीक है, तो उसमें जो है जा करके देखिएगा उसमें कंटेंट क्या है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, बोलता है लोग, बोलने वाले बोलेंगे, ये कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भोंके हजार, तो हमारे प्रतिद्वंदी भी बहुत सारे खड़े हो चुके हैं, उससे हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने वाले हमेशा पढ़ेंगे और जिनको कमेंट करते रहना है वो निगेटिव करते रहेंगे, हम कमेंट डिलीट भी नहीं करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं हम लोग कमेंट पढ़ने, बिल्कुल आइए, वेलकम है, स्वागत है। और जिस दिन आपकी रिजल्ट नहीं होगी, हालांकि वो पढ़ने वाले तो मुझे लगते नहीं है, क्योंकि हम जब कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन जब डालते हैं वो सब गधा जो है बेहुदा जिसको कहा जाता है वो गधा आज तक जो है इस कम्युनिटी पोस्ट में मेरे क्वेश्चन का आंसर तक नहीं देता है। तो वैसे लोग इलीगल हैं जो जिंदगी भर भैंस चराया
है ना, और भैंस के लैंग्वेज में ही रहा और भैंस के झुंड में ही आज तक भी वो लोग घूमता फिरता रह रहा है। तो कभी जो है कि शेरों के से उसका सामना अभी हुआ नहीं है। तो जब रिजल्ट्स जब नहीं हो जाएगी तो अंत में जाकर के बहुत सारे बच्चे हमसे जाकर के माफ़ी मांगते हैं कि सर हम आपको बाद में समझे। तो उनका भी जब रिजल्ट नहीं होगा, पीटी नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, तो उनका अंतिम जो है एकमात्र एक ही रास्ता दिखाई देगा, ईडू ई गुरुकुल और राकेश लाल। क्योंकि हमने अपने जीवन में 17 नौकरी लिया है और इतना आपको अनुभव आपको मेरे एग्जाम को लेकर के हो गए हैं, उसमें आप जो है कभी सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम एक बार बार बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में आपको बताएंगे जैसे 22-13 एग्जाम जो हुआ था और 12-75 जो एग्जाम्स हुए, तो उसमें कौन सा बुक का मतलब रिस्पॉन्स अच्छा रहा, जो क्वेश्चन आए उस लेवल से आए, और पिछला जो है थर्ड में कौन कौन से बुक्स का अध्ययन किए और कौन कौन से चैप्टर का अध्ययन किए, अगला जो है कि मैं वीडियो में स्पष्ट तौर पर आपको बताने वाला हूँ। और उतना से लेकर के पढ़ते रहिए और आप ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu eGurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they are not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu eGurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu eGurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.